पे इंपॉर्टेंट, लेकिन डिप के ऊपर की हिल भी इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो टीम हिल के ऊपर है वो यू लेवल और वो प्लेयर स्किल्स निकाल रहे हैं। माविन ने वहाँ पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया। बीटीआर ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी, लेकिन ऑरेंज जॉक को पता चल चुका उनके सामने कहाँ की फाइट है। वीरू आगे जा रहे हैं, मोनोटॉप्स किए जा रहे हैं ऑरेंज जॉक के द्वारा। क्या ऑरेंज जॉक बीटीआर को यहाँ पर वाइप कर पाएगी? देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहाँ पर ऑरेंज जॉक के डायरेक्शन से, और मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट एंड साइड से, वीरू राइट एंड साइड से, बीटीआर के लक्ष्य को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज डॉग इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए, लेकिन साइड से ग्रेनेड आएगा राइजन का जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है। जोन के एकदम एज पर स्काउट को एक पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा। जोन और आगे होता स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने। उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा, जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा। दैट्स इट, एंड यहाँ पे मावी एक प्लेयर को डाउन करते हुए, एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर बिकॉज 4-2 का सिचुएशन हो चुका है, एंड एक और प्लेयर को मावी डाउन करेंगे। दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मावी, और अब यहाँ पे हो चुका है 4-1 स्काउट डाउन होते हुए। कैन मावी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन? ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है। विल this be able, will Mavi be able to clutch it? No, but then Ryzen with that 1-3 clutch on Orange Rock, आखिरी में थर्ड पोजीशन पे आउट करते हुए, आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोग, बट बीटीआर के पास 13 किल्स है, राइजन विद 8 किल्स। क्या यूट्यूब के सामने 1-3 का क्लच निकाल पाएगा? बट ही वॉज 1 HP ओवर देयर।